यहाँ पर आप देख सकते हैं, हमने कल गए थे मार्केट। हम तो यहाँ पर हम यहाँ पर एक केज भी ले आए थे इन पिंचेस के पेयर के लिए। आपको जैसा मैंने प्रीवियस में ब्लॉग में दिखाया भी था, यहाँ पिछले ब्लॉग में यहाँ पर मार्केट जाकर ये केज ले आए थे, इन पिंचेस के लिए बॉक्स भी लगा दिया था। अब इन्होंने नेस्टिंग कर लिया, बस इनका एग देने का इंतजार है। बाकी कॉकटेल वगैरह यहाँ पर बैठे रहते हैं, इनका पेयर पता नहीं लग नहीं रहा क्या है मसला, ये लटकते रहते हैं हर वक्त। बाकी इन पिंकी के लिए हमने यहाँ मटके लगाई थी, इन्होंने यहाँ पर 3 eggs भी ले किए थे, वो 3 अंडे इनके ख़राब हैं। और साथ ही साथ अब आप ये देख रहे होंगे, ये कौन है, ये रसगुल्ला है। मैंने आपको कहा नहीं था कि मैं बर्फी को भी मार्केट लेकर जा रहा हूँ? बर्फी का भी हमें एक रिलेटेड काम था मार्केट में, तो बच्ची को हम मार्केट इसीलिए लेके गए थे। हम ये इसका कंफर्म करवाना था, ये मेल है या फीमेल। तो बच्ची का कंफर्म हो चुका है कि ये फीमेल है, तो हमें इसके लिए चाहिए था अब एक मेल। जैसे जामन भी फीमेल थी, उसी तरह बर्फी भी फीमेल है, तो हमें अब चाहिए था इसके लिए मेल। मेल हम यहाँ से वाइट वाला हमें मिल गया था, मार्केट जा गए थे हम। इसका नाम हमने रसगुल्ला रख दिया है, इसे हम 1-2 दिन पहले ही लाए हैं। इसे भी आपको मैं बाहर निकाल के पकड़ के दिखा देता हूँ, और आप हमें कमेंट में कंफर्म भी बताएं ये मेल है या नहीं। मार्केट वाले तो कह रहे थे कंफर्म मेल है। देख सकते हैं ये यहाँ पर रसगुल्ला है, इसे हम यहाँ से मार्केट से लाए थे। ये बहुत ज़्यादा डस्ट है अभी तो, मैं यहाँ से पता नहीं क्यों वीडियो चल रही है ना, ब्लॉग चल रहा है, इसलिए आज यहाँ से बैठ गया, वरना हमसे देखे इतना दूर भागे रहे। इससे थोड़े से यहाँ पर इन्होंने पर भी काटे हुए थे मार्केट वालों ने, पता नहीं शायद ये उड़ता होगा। देखिए अभी आपके सामने है, ये देखें कितना ज़्यादा डर रहे हैं हमसे। जैसे कैमरे के पास लाते हैं हम थोड़ा सा, देखिए कैमरे को मार रहे हैं। आज हमने इसे लिए लाया भी था, देख सकते हैं आप, मार्केट में तो गंदा रखते हैं इन्हें, इनका कलर गंदा था, इसका कलर गंदा हो गया था, वाइट नहीं रहा, तो इन्हें से आज हिलाया है। आज इसका कलर देखें फिर भी थोड़ा येलो इस पर है, लेकिन साफ हो रहा है। ये पाँव भी देखें आप, पर फिर से इसकी थोड़ी बहुत हाइट बड़ी है, क्योंकि वो तो जैसे वो खाना खिलाते हैं जिसमें यूरिया मिली होती है, इससे इनकी ग्रोथ ज़्यादा जल्दी हो जाती है। पर फिर तो हम नए से रोटी वगैरह पे पा रहे हैं और सूट वगैरह पे, बाकी वो तो इन्हें यूरिया वाली खाने वाले बढ़ा देते हैं, इनकी ग्रोथ बढ़ जाती है, लेकिन इनका वेट इतना नहीं होता। लेकिन अभी इसका वेट इतना नहीं है जितना बर्फी का है। देखिए मुझसे बहुत ज़्यादा डर रहा था, हमने छोड़ दिया, फिर भी मुझसे भी देखें हाँ पास करो ना, डरता है बहुत ज़्यादा, पता नहीं क्यों। अभी फिलहाल तो बर्फी और इसका पेड़ नहीं लगा, लेकिन ये दोनों साथ तो बैठ रहे हैं आपस में, लड़ाई भी नहीं हो रही। डव वगैरह भी यहीं पर बैठी हैं, डव नीचे यहाँ पर जमीन में बैठ जाती है आकर, इनके तो यहाँ बच्चे भी बड़े हो गए, सबके मोल्डिंग आए कंप्लीट हो गई। लेकिन यहाँ पर और भी मेरे को चीज़ नहीं नजर आ रही होगी, मुझे टीपू है, टीपू तो नहीं पीछे बैठ के किससे बात कर रहे हैं, लेकिन अब देख लेते हैं हम टीपू को निकाल रहे। हाँ टीपू को निकाल नहीं सकते क्योंकि अभी उसके पर फोड़ है, अभी मैंने उसके पर उसने ट्रेम नहीं किए हैं, कोई पता नहीं वो उड़ ना जाए तो उसे नहीं निकालते। कि इन वाली फिंच को काफ़ी टाइम हो गया, इन्होंने नेस्टिंग तो काफ़ी टाइम से कर ली, लेकिन अभी तक इन्होंने अंडे बच्चे नहीं दिए, बस इनका इंतजार रह गया। इनको हमने सब कुछ डाला हुआ, देखें एग शेल यहाँ पर, ये हमने इनका खाना भी हर रोज़ डालते रहते हैं, लेकिन पता नहीं क्यों ये यहाँ पर एग्स नहीं ले कर रहे। बस आप जल्दी से हमें 300 सब्सक्राइबर कर दें तो हम आपको एक स्पेशल चीज़ लाएंगे आपके लिए। तो तब तक अल्लाह हाफिज़, एंड मेक श्योर टू लाइक एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। थैंक यू।